आ गए ट्रेलर देखकर, अब वीडियो देखना छोड़ छोड़ कर। भैया ये पूरी देखता है वीडियो। क्या वाकई? जी भैया। तो फिर इसका मिलकर करना चाहिए भाई। क्या भैया? वेलकम वेलकम टू अल्फा यूनाइट, एक बेहतरीन सा वेलकम। इस वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया है, चारिज़ार्ड का मुकाबला होने वाला है कट्टर से एक वैशी दरिंदे एप्सोल के साथ। इस वीडियो में हम रैंक पुश करने वाले हैं, वेटरन फाइव पर हैं, अल्ट्रा तक रैंक पुश करने वाले हैं। इस मैच के जीतते साथ ही हम पहली दफ़ा अल्ट्रा रैंक को टच कर लेंगे, लेकिन बात है कि क्या हम कर पाएंगे। हमारा चारिज़ार्ड एकदम तैयार है फाइट के लिए। हमारे पास दो अल्ट्रा हैं, तीन वेटरन हम खुद हैं, और जो दूसरी टीम में आपको नोट करना है बंदा, वो है ये न्यू ब्लास्ट एप्सोल। इसने जो न्यू किस्म के ब्लास्ट करने हैं ना, वो तो आप ट्रेलर में देख ही चुके हैं, अभी पूरी फिल्म भी देखेंगे आप लोग। चले मैच स्टार्ट हो चुका है। शुरू से हम शुरू वाले काम करेंगे जो है फार्मिंग वाइल्ड पोकेमोन, और इनको कोशिश करेंगे इसे मैं स्लो ब्रो से चुराऊँ, लेकिन स्लो ब्रो भी बहुत फास्ट है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ सका थी, ये स्लो ब्रो इसका नाम है लेकिन ये फास्ट क्यों है इतना? स्टार्टिंग में प्री एवोल्यूशन स्टेट में इतना फास्ट है यार, और एवोल्यूशन के बाद इसकी स्पीड आई थिंक कम हो जाती है या इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो मे बी हमें इसके फुट्स जो हैं वो छोटे छोटे लगते हैं और स्पीड स्लो रखती है, लेकिन यार इसकी प्री एवोल्यूशन में स्पीड अच्छी है। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी पूरी कोशिश कर रहा है मुझसे फार्मिंग चुराने की। भाई आपको चाहिए कि अगर आप डिफेंडर हैं ना, तो आप अपने अटैकर को पावर कम करके वाइल्ड पोकेमोन दे दें, क्योंकि एक डिफेंडर 15 लेवल का उतना काम नहीं आता जितना अटैक कराता है। खैर ये इसका भी ठीक था, ये 4 लेवल तक आई थिंक 4 लेवल पे इवॉल्व हो जाता है, तो इसलिए कर रहा था। फिलहाल हम यहाँ पे गोल के लिए आए हैं और यहाँ पे गोल करके ही जाएंगे। पहला गोल ताक दिया है, पहला गोल नहीं दरअसल दूसरा तीसरा आई थिंक। और ये आप सॉरी देखें, दरिंदा आ चुका है वापस मैच में, थंबनेल से जहाँ तक आ चुका है, इसका डैमेज देखें आप। एप्सोल से भाई पंगा ना लो। एप्सोल अगर आप स्टार्टिंग में ख़ासतौर पर खेल रहे हो एज अ चार्मेंडर, एज अ चार मिलियन की भी समझ आती है, लेकिन यार उसका लेवल 6 हो चुका है। पता नहीं वो फार्मिंग कर रहा था मेरे ख्याल से, बिल्कुल जंगली ही कर रहा था वो, इसलिए उसका लेवल 6 है, तो ये जंगलर्स का फ़ायदा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इसने चोरा नहीं भाई, ये कैसे ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है, पता नहीं कहाँ से इसने तेज़ करवाए हैं और इसने मुझे ज़िबाह करके रख दिया। खैर अपने छोटे छोटे पाँव से एक बार फिर से हम रैंप पर वॉक करने के लिए तैयार हैं, बल्कि वॉक कर रहे हैं, और ये फ्रोगेडियर को बचाएंगे, रोकेंगे कि ये गोल ना करने दे, क्योंकि अभी हमारे पे गोल हो चुके हैं, हम पहले भी गोल कर चुके हैं 9-9 के साथ। खैर लीड में फ़िलहाल अभी हम हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे क्या होता है भाई किसी ने नहीं जाना, वाइल्ड पोकेमोन्स को किल करना है। और ये फाइनली हम इवॉल्व हो चुके हैं 4 मिलियन में। यार जब 4 मिलियन में इवॉल्व होता है ना मेरा चार्मेंडर, मेरे दिल को सुकून हो जाता है, मतलब तसल्ली आ जाती है मेरे दिल को, मुझे अलग सी फीलिंग आती है कि खुश हो जाता हूँ मैं। जी वो फायर पंच जो है ना यार मज़ा आया था। खैर यहाँ पे फायर पंच से बैडी ली और किल करने की कोशिश की, लेकिन सिंड्रेस ने बख्शा नहीं, उसने कहा भाई हम भी खेलने के लिए आए हैं, इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। हमारे पास भी दो पाँव हैं, दो हाथ हैं और एक पूंछल है जिस पर लगी हुई है आग, इस आग से ही हम करेंगे स्टेडियम का बुरा हाल। और इस छोटे छोटे पाँव से दोबारा से हम चल कर आ गए अपने गोल जोन की तरफ स्लो ब्रो की हेल्प करने के लिए। स्लो ब्रो तो आई थिंक बहुत ही निडर किस्म का जानवर है, या पोकेमोन है जो भी। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन बीज को चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लेवल चाहिए यार से लड़ने का, भी मेरा लेवल नहीं है। आप सब जब ये देखें किस तरह मुझे डैमेज करता है यार, मुझे लिटरली ये कह रहा है कि तू मेरा लेवल तो नहीं छोड़ रहा, थोड़ा लेवल वटा कर छोड़ रहा। बिल्कुल यही मुझे तरियाँ लगा रहा है। खैर अभी मैं सोच चुका हूँ कि एप्सोल चला गया है अब अपनी गार्ड के अंदर, अब हमें करना है इस ड्रैगनों का काम तमाम। ठीक है, हम तीन बंदे हैं, बल्बसोर है और ये सब कुछ, लेकिन यार ये कमाल, अभी तो मैंने कमेंट्री भी पूरी नहीं कही एप्सोल। यार आपने देखा है ये किस तरह का दरिंदा सिर्फ पोकेमोन है, हम तीनों आराम से खुशी से दिल की तसल्ली से ड्रैगना को मार रहे थे कि यार चलो अब सब चले गए हैं, अब ड्रैगना को मार के लेवल अप करेंगे और लेवल अप करके हम लड़ाई करेंगे एप्सोल के साथ। लेकिन एप्सोल ने किस तरीके से वहाँ पे ड्रैगना स्टील किया, वन ऑफ द बेस्ट स्टील था। और यहाँ पे गेम भी शदीद किस्म की लैग हो रही थी मेरी, आगे और भी लैग होगी, लैग से भी बहुत से मेरे नुकसान आता आप देखेंगे, पता नहीं क्यों लैग होता है। आई थिंक जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ
फिर ही लैग होता है, वरना गेम के अंदर दौरान तो लैग नहीं होता। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा गेम स्मूथ हो जाए दोबारा से। आप एफ पी देख सकते हैं फ्रेम पर सेकेंड 13-11 एफ पी, यार कमाल हो गया यार, इतने कम फ्रेम्स पर कैसे बंदा खेल सकता है। यहाँ पे गेम इतनी लैग हो रही थी और मैं एक स्टेप से रह गया हूँ बचते बचते। खैर ये एपिसोड फिर से आ गया। अब इसको अब जिसने वो चोरी किया ना डरना, वो मुझे जन्म जन्म तक याद रहेगा, क्योंकि अब मेरा लैग भी शुरू होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू भी हो रहा है, बल्कि काफ़ी तो हो चुका है, काफ़ी और भी होगा। लेकिन यार वो जो मैं दिल की सुकून से जो कर रहा था ना डरना, उसका दुख अभी भी दिल में होता है, दर्द होता है भाई डरना जब आप मारो और डरना लास्ट में आके कोई चोरी कर ले इस तरह वैश की वैशी पम दिखा के। खैर अभी हम यहाँ पे आए थे कोर्टफिश के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हमें वो वैशी दरिंदा, मुझे लग रहा था जैसे यार ये बंदा आया मेरा कंटेंट बनाने के लिए। अब यहाँ पे एप्सोल क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैंने क्या ले लिया इसका, यहाँ पता नहीं मैं क्या ले के इसका भाग गया, कौन सी जायदादें मैंने इसकी हड़प कर ली हैं। या तो ये मेरी मदद के लिए आया कि मुझे कंटेंट बनवा कर देगा, या तो मुझे भाई पक्का ये रोकने के लिए आया अल्ट्रा रैंक से, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे एप्सोल मिलता है। अब मुझे इसने फिर मार दिया। खैर अभी पर लेवल बस थोड़ा सा कम है एप्सोल से, इस बार ये डरना जीत कर रहेंगे। ग्रिंजा आ गया, लेकिन हमारा टैलेंट फ्रेम भी बुश में छुपा हुआ, आप देख सकते हैं उसको, वो बस वेट करेगा जैसे ही मैं इसकी एचपी लो करूँगा ग्रिंजा की, और वो यहाँ से आके अटैक करेगा। और ये गया, और ये हमने ड्रेडना आखिरकार गेन कर लिया, और हमें एक्सपी मिल चुकी है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके हैं, और हमारा लेवल अब तकरीबन फाइट के लिए रेडी है। अब फाइट स्टार्ट होगी, क्योंकि खैर हमारे 3 गोल डाउन है। अगर आप यहाँ से हंस रहे हैं कि हम यहाँ से कम बैक कैसे करेंगे, लेकिन आप देखते जाएँ यहाँ पर होता क्या है। फिलहाल मैं अभी भी अपनी फार्मिंग पे ही ध्यान दिए हुए, क्योंकि उनका लेवल जो है वो पहले ही हमसे ज़्यादा हो चुका है। मुझे जैपडोस के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी है, मैं जैपडोस के लिए यहाँ पे तैयारी पूरी कर रहा हूँ। और यहाँ बी ये पैसिफिक क्वीन पता नहीं क्यों नहीं मर रही थी, आई थिंक इसने जाना नहीं था, कितने ये फास्ट अटैक्स के बाद मरी है। खैर अभी हम जहाँ पे रोटन के पास आ चुके हैं, अभी इसको ज़रा किल करके प्रेशर डालने की चाहते थे यार, चाहते थे किया नहीं बस चाहते थे, और फिर से ये एप्सोल आ गया। इस बार मुझे आया गुस्सा और मैंने यूज़ कर लिया अपना यूनाइट मूव, और इन दोनों की खटियाँ खड़ी करने का पूरा इरादा था मेरा, लेकिन यहाँ पे मेरे किल चोरी हो गए और मैं अपना बदला नहीं ले सका। खैर गेंगार ने इन दोनों को फिनिश कर दिया, यहाँ ब्लास्ट टाइम इसको मैंने किया था, अब इसको रोकने की मेरी कोशिश है, लेकिन इसने जो डैमेज कर रहा ना, मेरे दिल के अंदर से मुझे ख्याल आया कि मुझे चले जाना चाहिए यहाँ पे, मामला टैलेंट फ्लेम के सपोर्ट कर देना चाहिए। टैलेंट फ्लेम चला गया वहाँ पर, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी फार्मिंग दोबारा करूँगा, और इसके बाद जाऊँगा बेस में अपनी एचपी रिकवर करने के लिए। और तकरीबन 1 मिनट रह चुका है एप्सोल जैपडोस के आने में, और उसके लिए तैयारी मेरी फुल है। अभी यूनाइट मूव मुझे पूरा यकीन है तब तक रेडी हो जाएगा, और इस बार ये हम मैच जीतने वाले हैं जो मर्ज़ी हो जाए। यहाँ पे लैग भी हो रहा था इसलिए कभी आगे जा रहा हूँ कभी पीछे जा रहा हूँ, ये नोब से हरकतें कर रहा हूँ, बहुत लैग का मेरे सामने था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अंदाज़ा लगाने के बाद मैंने फैसला किया कि जंगल में जाना चाहिए, और ये फैसला अच्छा था। और सिंड्रेस की हम बजाने की कोशिश थी, लेकिन डैमेज काफ़ी किया लेकिन बजा नहीं सके। खैर अभी हम थोड़ा डैमेज करके उसको भगा ज़रूर दिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने जंगल में दोबारा लैंड किया, एक पीकाचू पीका पीका करके यहाँ पे फिर रहा था, और यार आपने देखा फायर ब्लास्ट ने कैसे से काम तमाम किया। अब मैं आज़ादी से जा रहा हूँ, और जब पीछे ब्लास्ट ही चल रहा है ना, कसम से मुझे अपना साथी लग रहा था, इतनी आराम आराम से चल रहा है ना, मुझे कुछ कह रहा है, मुझे लगा कि ये मेरा ही मेंबर है यार, और मैं इसके किल नहीं कर सका, इस धोखे में रहा कि ये हमारा साथी है और इसने मुझे धोखा दे दिया, और ये किल हो चुकी हैं। अब हमारा जैपडोस के आने में सिर्फ 3 सेकंड बाकी हैं, और हम 3 बंदे जो हैं नॉकड आउट हैं। बिना सोड़ा चुका है बैक इन द क्रीज इन द ग्राउंड इन द स्टेडियम, और मैं भी आ चुका हूँ यूनाइट मूव देखें रेडी हो चुका है, और अब होने वाली है एक धमाकेदार सी टीम फाइट, जिसमें फैसला होने वाला है कि हम अल्ट्रा करेंगे या नहीं करेंगे। 3 उनके नॉकआउट हमने पहले कर दिए हैं, विनासोर वगैरह ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और अटैक धराधर शुरू हो चुके हैं। विनासोर ने अपना यूनाइट मूव भी यूज़ कर लिया, और यहाँ पे गेंगार ने अपनी चलाकी दिखाकर 100 गोल किए हैं, लेकिन साथ ही हम यहाँ पे बिजी हैं जैपडोस को किल करने में। क्या नाम है ब्लास्टोइस भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम जाने नहीं देंगे, और ये फायर पंच से काम तमाम किया, सिंड्रेस को नहीं छोड़ेंगे, पिछला बदला चुका के रहेंगे। सिंड्रेस को किल किया और ब्लास्टोइस को किल किया 2-3 के साथ, और हमारा धहकता हुआ आग से 4000 पहुँचा गोल पर और कर दिए 100 गोल। अभी आपने देखा क्या हुआ, उनका ऊपर वाला गोल
टूटा नहीं था, तो हमें कितने साल हुए 100 गोल करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके पहले दो गोल ऊपर वाले या नीचे वाले एक एक टूट जाए तो आप हार ना माने, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही हैं कि वो दोनों टूट जाएं, वो पहले टूटें या बाद में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेड ना कि फायर जीतें। और यहाँ पर जो मैंने गोल करने की कोशिश किया उस पर जो इन्होंने मुझे इनामात के बरसात किया पूरी टीम ने, वो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे हमारी पूरी टीम नॉकआउट हो चुकी है, फ़िलहाल सिर्फ टैलेंट फ्लेम बाकी है, और वो अकेला टैलेंट फ्लेम जो है उसको रोक कर रखना पड़ेगा उनको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैच खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। हम मजीद गोल नहीं चाहते, हमने गोल कर दिया और यहाँ पे ये प्रेशर सिचुएशन है। लेकिन एंड टाइम पर जैसे ही उसने हमारे टैलेंट फ्लेम को किल किया, फॉर्चुनेट थे हम के हमारा विनस और आ चुका है, उसने सिंड्रेस को किल किया और एप्सोल को भी किल कर दिया गेंगार ने। दरअसल इस पूरे मैच में गेंगार ने ही सिर्फ एप्सोल को किल किया, और यहाँ पे एक किल हमारे हाथ भी आएगा, हम फायर पंच से इसका मुंह तोड़ के रख देंगे ग्रेनजा का। और लास्ट किल के साथ उनके चार प्लेयर्स धोबी के अंदर हैं और अब मैच का फैसला हो चुका है और मैच का रिजल्ट। और फाइनली एप्सोल को बीट करके, उनकी पूरी टीम को बीट करके हमने आखिरकार ये मैच विन कर लिया है गेंगार की बदौलत, जिसने एक दफ़ा 100 गोल किए, एक दफ़ा 94 गोल किए, हमारी अपनी बदौलत जिसने हमने ज़ेप्डोस को किल किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो खुद ये एप्सोल कितना खौफनाक था। खैर, हमारी टीम के लिए पूरा लाइक बनता है। और जो दूसरी की टीम है, हालांकि उसको MVP तो भाई ग्रेनजा को मिला है, लेकिन जो हमारे साथ जुल्म सितम हुए हैं वो सारे एप्सोल ने किए हैं, तो इसलिए हमने थंबनेल पर भी एप्सोल ही लगाया। अब आपको पता है यार एप्सोल क्यों है, क्योंकि एप्सोल ही है। यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो यार, हम पूरे डाउन थे लेकिन हार नहीं मानी। यही बात है कि मैच का फैसला तब तक नहीं होता जब तक ज़ेप्डोस नहीं आता, तो कभी भी सरेंडर ना करें। देखिए, हम डाउन एंड आउट थे, स्टार्टिंग हमारे कोई गोल नहीं, हमारी टीम ने धड़ाधड़ गोल किए और एंड पे हमने एक ज़ेप्डोस जीता है। और कम बैक में आप फ़र्क देख सकते हैं यार, ज़बरदस्त किस्म की फाइट बैटल हुई और MVP रहा गेंगार। लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बैटर 5 को क्रॉस कर चुके हैं और ये पहली दफ़ा अल्ट्रा क्लास 1 पर आ चुके हैं। और फाइनली एक ग्रेट अचीवमेंट आज हमने अचीव की है, अल्ट्रा क्लास 1 पर हम पहली दफ़ा आ चुके हैं। अगला जो टारगेट है वो मास्टर के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया और बहुत ही मज़ा आया मैच खेल के, लैग ना होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी हम फाइनली मैच जीत चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फर्दर मोर वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट द गेम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओ बाय।